ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो आज परचम लेकर घूम रहे हैं कि आपने मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, जी आपने शाकाहारी बिल्कुल डाइट करना बिल्कुल चाहिए, शाकाहारी से भी बॉडी बनती है, बिल्कुल बट आप खुद खा रहे हो, सही बात आप है। कहीं घूमने जा रहे हो, आप वहां पे जाके मांस मच्छी ही खा रहे हो, और आप पहले भी ओके खाते थे। I'm saying, a non-vegetarian bodybuilder will always have an edge over a vegetarian bodybuilder when they both come on the stage at the same time. You come and you offer me 5 crores, which is 100 times, which is equivalent to my 12 into 96, 8 years of income. If you give me for just one video, I am ready to go vegan online. मैं खुद अपने आप को वीगन बोलने के लिए रेडी हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज देसी मसल पॉडकास्ट एपिसोड 9। आज के पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं इकबाल सैयद के साथ, जो हम्बल बीस्ट के नाम से जाने जाते हैं और इंडिया में प्रो क्रिएटर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये खुद स्टेज पर स्टेप करने वाले हैं और इनके कोच की रिलेशनशिप के बारे में, लर्निंग के बारे में हम जरा सी डीप डाइव करेंगे। इसके अलावा हमारे इस पॉडकास्ट में मेन दो टॉपिक्स जो होंगे, पहला टॉपिक होगा रमज़ान में डाइट थिंकिंग के बारे में, फिटनेस थिंकिंग के बारे में, जो कि हमारे बहुत सारे यूथ्स को जनरली फास्टिंग में मिसिंग होती है। सेकंड, हम बात करेंगे मिथ्स के बारे में, जो कि हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, वेज वर्सेज नॉन वेज डाइट का। इसको लेके हम रिलीजियस एस्पेक्ट और फिटनेस एस्पेक्ट्स दोनों डिस्कस करके ये मिथ को क्लोज करेंगे। और दो चार टॉपिक्स हैं जो थोड़े जूसी हैं, जो थोड़े फिटनेस कंटेंट और इवन कंट्रोवर्शियल कंटेंट से रिलेटेड है। मेक श्योर कीजिए कि आप एंड तक रुकें, पूरी वीडियो देखें और अपने कमेंट्स नीचे डालें। विदाउट एनी फर्दर एडियो द पॉडकास्ट बिगिंस। कंट्रोवर्सी चल रही है, आप अलहदा अलहदा चल रहे हैं एकदम। नहीं, हमें पढ़ना नहीं है, हम ठीक है। हेलो एंड वेलकम गाइस टू देसी मसल पॉडकास्ट, दिस इज एपिसोड 9 एंड वी आर बैक विद सैयद इकबाल द हम्बल बीस्ट। और आज का एपिसोड सोलो एपिसोड होने वाला है विद माय को होस्ट, माय लवली ब्रदर सैयद हमदानी एंड मिस्टर इकबाल। सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक सर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, हाउ आर यू फीलिंग? All good, Iqbal bhai, welcome back. Yes, this is my second podcast with you guys. Yeah, second podcast. This is the second podcast and today's podcast is going to be centered around थोड़े topics. Sorry, मैं English में ज़्यादा जा रहा हूँ। थोड़े topics हैं जो हम बात कर रहे हैं, दो main topics जिसको मैंने intro की, आपने clip देखी होगी, तो उस clip के बारे में हम बात करेंगे। So make sure आप end तक stick करेंगे। लेकिन पहले Iqbal आए हैं हमारे बीच में और शायरी ना हो ये मुमकिन नहीं है, तो एक ऐसा शेर है जो रमजान के हद में है तो हम कह सकते हैं, सो इजाजत हो तो इरशाद करने की। बोलिए इरशाद, इरशाद। दिस इज नॉट एन ओरिजिनल बाय द वे गाइस, सो या ओके। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबा से नहीं है इकबाल, कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबा नहीं होती। सो रमजान इज ऑन अस राइट नाउ और हम सब रमजान के मूड में हैं, महफिल सजा रहे हैं। सो इकबाल साहब से पहले हम ये पूछेंगे कि आप हमें स्कैम क्यों कर रहे हैं इकबाल भाई, व्हाई आर यू स्कैमिंग अस लाइक दिस? आप मेट्रो के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप क्लाइंट कोच हो, आप जिम चलाते हो, अपैरल बिजनेस है अपनी, एंड नाउ लेट मी शो यू गाइज इकबाल साहब ने अपने इंस्टाग्राम पे क्या डाला। इकबाल साहब अभी खुद स्टेज पे आने वाले हैं बहुत जल्दी, ऐसा लग रहा है। सो इकबाल सईद हैज शेयर्ड दिस ऑन इंस्टाग्राम, यू कांट बी लुकिंग लाइक दिस इकबाल सर एंड नॉट ऑन लाइक यू आर ऑन टू समथिंग, आर यू गोइंग टू कंप्लीट? हम आपको कब दिखेंगे स्टेज पे और आपके क्या क्या प्लान्स क्या है आपके? योर मेबी आई कंप्लीट, या आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद पेटिक्योर, माय officially my first coach was Rakesh Gudiyar, which everyone knows, yeah, and he would always remain my mentor because I always took him as a fatherly figure. There have been many ups and downs while doing bodybuilding and he's always been a, you know, very supporting person to me, not just as a coach but always treated me like a family, so he will always remain a lifetime mentor for me. I have started working with him since 2016, I remember correctly. It's been almost 5 years I was with him. And wow, for a change,
for a change, I had thought of going to Milos Sachev. But then what happened, I've already done a protocol with Milos in the past, just one protocol, not the entire prep. Okay. And one of my diet protocols was also written by Dennis James in the past in 2017. Jee. So I was making up my mind. And during the lockdown, it was also one of my homework that I had done. I had, worked on all top 20 coaches in the world, why they are different, what different they do. What's their ideology, approach towards workout, where do they focus more, etc., etc., etc. And then I ended up with two names. Sorry, Iqbal bhai, to interrupt you. Sorry, Iqbal bhai. Agar aap Urdu mein baat kar sakte hain, toh please. Taki hamari desi audience. Meri Urdu thodi si tuti phuti rahi. Urdu Hindi jo bhi matlab yaar. Haan. So, Rakesh Uriya hamesha ek fatherly figure hi rahe hain mere liye 2016 se. Main unke saath mein kaam kar raha hoon. I've done मैंने उनके साथ में मिस्टर इंडिया किया है, आर्मी क्लासिक किया है, ओलंपिया अमेच्योर हांगकांग किया है. ओलंपिया अमेच्योर इंडिया का प्रेप के टाइम मेरे शोल्डर की सर्जरी हो गई थी, तो वो एक शो नहीं हुआ जी. फिर मैंने ओलंपिया अमेच्योर जापान भी मैंने राकेश सर के साथ किया है. फॉर अ चेंज मैं किसी के पास ज्वाइन करूंगा, ऐसा मेरा लॉकडाउन में प्लानिंग था. लॉकडाउन में मैंने काफी सारे कोचेस के साथ में वीडियो कॉल्स किए, मैंने काफी होमवर्क किया, व्हाट डिफरेंट वर्कआउट दे डू, वेयर डू दे फोकस मोर, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट लॉकडाउन में कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि आप किसी को ज्वाइन करो, क्योंकि कोई क्लैरिटी ही नहीं थी कि आप शो खेल पाओगे या नहीं खेल पाओगे, शो होंगे या नहीं होंगे. सो इट वुड हैव बीन अ वेस्ट ऑफ मनी. आप सिर्फ सीखते कि आपने क्या किया, बट आप उसको स्टेज तक नहीं ले जा सकते. तो लॉकडाउन में मैंने वो कैंसिल कर दिया था. और पेट्रिक टूर मेरे जहन में काफी टाइम से थे, क्योंकि मैं आई एम फॉन्ड ऑफ सार्कोप्लाज्मिक स्टिमुलेटिंग ट्रेनिंग, SST स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग जो है, जो हमने मनोज सारंगा पानी पे काफी इम्प्लीमेंट किया था ड्यूरिंग हिज प्रेप टाइम जी. तो आई वाज रिसर्चिंग मोर ऑन SST एंड देन आई डिसाइडेड आई वुड जॉइन पेट्रिक टूर. सो मैंने जनवरी में पेट्रिक टूर को ज्वाइन किया है, मिड जनवरी में, मे बी लास्ट वीक ऑफ जैन आई मस्ट हैव स्टार्टेड माय प्रेप विद हिम. सो इट्स बीन 11 or 12 weeks with him and I'm standing at 250 pounds. So my pictures do not do justice to me. Whenever I click picture, mera akele ka photo jab main khichta hoon, to mujhe khud ko aisa lagta hai ki yaar main photo mein bahut chhota dikhta hoon. To aur main har baar kisi ko zabardasti chhota dikhane ke liye saath mein khada karke photo se lunga. ये मुझे लगता है ये हर बॉडीबिल्डर की प्रॉब्लम है कि उसको जब भी वो अपने फोटो खुद से खींचता है उसको अपना आप छोटा ही लगता है. बेशक जी. या सो कैन वी एक डीप डाइव शो. अब मैं कौन सा खेलने वाला हूँ वो जो है वो ऑनेस्टली डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि मैंने उनको एक साल के लिए ज्वाइन किया है. मेरा प्राइम मतलब सबसे पहला मकसद ये था कि मुझे और सीखना था कि क्या चलता है एटसेट्रा एटसेट्रा. बट क्योंकि मैं पूरा एक प्रेप कर रहा हूँ पूरा एक साल का, तो बेशक मैं स्टेज पर तो जाऊंगा ही जाऊंगा. तो इंशाल्लाह इस साल मेरा प्रो कार्ड है. शो डिसाइड इसलिए भी नहीं किया क्योंकि पेट्रिक टूर ने तो कहा था कि अक्टूबर खेल लो, तुम्हारी कंट्री में हो रहा है. यस. तो अक्टूबर में मेरे खुद के 10 से 15 स्टूडेंट्स खेलेंगे, तो आई नीड टू डू जस्टिस टू देम. क्योंकि अगर मैं खुद ही प्रेप में पीक वीक में रहूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू focus on 15, more than 15 clients at the same time. जी. So I've decided I'll not compete in October Olympia Amateur India. So maybe somewhere in October, November, December. जी. Let's see which show. जरूर. मतलब कोई भी शो आप चूज करोगे उस पे आपका कहते हैं ना मिडास टच, मिडास एक किंग मिडास था, वो कुछ भी छूता था वो गोल्ड हो जाता था. सो उम्मीद है कि आपके साथ यू नो यू हैव द सेम विथ योर एथलीट्स ऑल्सो. और ये आपने कर दिखाया एज अ कोच. सो जरूर हमारी देसी मसल की तरफ से यू नो इट्स ऑल गुड टू गो फ्रॉम आवर साइड. अच्छा हम एक दो टॉपिक पे डीप डाइव करेंगे जो आपने अभी एक्सप्लेन किया हमें. एक तो आपका माइंडसेट, जब आप एज अ कोच आप किसी और कोच को अडॉप्ट कर रहे हो फॉर योर सेल्फ, चाहे वो कम्पीटिंग के लिए हो, बट जिस तरीके से मैंने आपको सुना अभी बात करते हुए, इट इज मोर फॉर लर्निंग देन यू नो लाइक आई मीन लाइक जिस तरीके से आप कह रहे थे आपकी वो जो मैं तो नाम भी भूल गया, इतनी कॉम्प्लेक्स नाम थी वो, SST स्टाइल ट्रेनिंग और समथिंग. बट आपकी जो माइंडसेट है व्हेन यू आर गोइंग टू अ कोच टू लर्न फ्रॉम हिम, टू बिल्ड फ्रॉम हिम, आपको ये लगता है क्या कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल के एथलीट्स
मिस आउट करते हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू डेलीगेट एवरी थिंग ऑन कोच एंड लाइक सॉर्ट ऑफ बी रिलैक्सड वेल दे आर डूइंग द प्रेप. और उनको सीखना और यू नो कोच से कोच के अंदर ट्रेनिंग लेना, ये चीजें कहीं 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 ना कहीं आपको लगती है मिस आउट हो रही है, और आपकी ये जो माइंडसेट है इसके बारे में आप कुछ बताइए. इसमें मैं ऐसे बोलूंगा कि जैसे दो दो वर्ड्स होते हैं ना, इल्म और अक्ल. सही बात है. इल्म बंदा खुद से ले सकता है, कहीं से भी ले सकता है, बट अक्ल कितनी लड़ानी है उस इल्म को इस्तेमाल करने के लिए, ये वो किसी और से ही सीखेगा, तजुर्बों से सीखेगा, आसपास वालों से सीखेगा, अपने उस्ताद से सीखेगा, अपने घर वालों से सीखेगा. मिसाल के तौर पे गूगल आपको बोलेगा टमेटो इज अ फ्रूट जी, बट यू विल नेवर कट टमेटोज विद एप्पल्स, टमेटोज विद मैंगोज, यू विल नेवर पुट बोथ द थिंग्स इन द सेम प्लेट. तो ये आपको गूगल ने नहीं सिखाया ना कि टमेटो को मैंगो के साथ में मिक्स मत करो जी. तो एक तो अप्रोच मेरा ये है कि नॉलेज हम कितनी भी ले सकते हैं. सी एनीवन कैन बिकम अ कोच, एनीवन कैन बिकम अ कोच. आई टेल यू, अगर मेरा ही प्रोटोकॉल अगर मैंने किसी क्लाइंट के लिए लिखा है और अगर उस क्लाइंट ने उसको नॉलेज नहीं है फॉर एन एग्जांपल, और उसने सेम प्रोटोकॉल उठा के अगले 10 लोगों पे लिख दिया जी, कॉपी पेस्ट कर दिया सिर्फ नाम चेंज करके, मैं खुद बोलता हूं कि उन 10 में से कम 4 से 5 लोगों की बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी, भले वो कैलरी कैलकुलेशन हो या ना हो, क्योंकि दो स्टेरॉइड्स हैव एन एनाबॉलिक नंबर अटैच्ड टू इट. तो कुछ तो एनाबॉलिक एनवायरनमेंट उनके बॉडी में आना ही आना है. तो ये तो कॉपी पेस्ट वाली बात हो गई, बट और फिर दूसरा नॉलेज गेन करने की. अब नॉलेज गेन करके ईमानदारी से भी बंदा अगर लिखेगा तो भी कर सकता है, बट द कॉन्फिडेंस दैट ही गेट्स व्हाइल ही राइट्स अदर्स प्रोटोकॉल कम्स ओनली व्हेन ही हैज वर्क्ड अंडर समवन, अंडर अ वॉचफुल आई. राइट, एब्सोल्युटली राइट. बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा हो जो वर्ल्ड नंबर वन हो या कंट्रीज नंबर वन हो, जो जिनके कोई कोच नहीं होंगे और वो खुद ही कोच बन गए होंगे, वैसे भी केस हो सकते होंगे, मैं उसको भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ. सॉरी, बहुत चेहरे आते हैं दिमाग में जब आप ये सब कहते हो, सो थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. और दूसरा चीज, इल्म का जो समुंदर है ना, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जिसका बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता. क्योंकि और एजुकेशन नॉलेज जो है, इट इज एवर इवॉल्विंग. बॉडी बिल्डिंग इज द मोस्ट इवॉल्विंग इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन नॉलेज. कुछ चीजें जो पहले गलत थी वो आज सही है जी. और कुछ चीजें जो पहले सही थी वो आज गलत है जी. तो ये तो इवॉल्व होता ही रहेगा, होता ही रहेगा. तो अगर बंदा सीखेगा नहीं तो वो ऑटोमेटिकली आउटडेटेड हो जाएगा और सिस्टम से ही आउट हो जाएगा. कितने लोगों को ट्रेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, 4-5 जिनको वो बकरा बना पाए या प्यार मोहब्बत में बुला के उनको ट्रेन कर दे जी. क्यों, एक टाइम के बाद में वो खत्म हो जाएगा. तो बहुत पुराना कोट है जो मैंने अपने इंजीनियरिंग में पढ़ा था 2004 में, इफ यू स्टॉप लर्निंग टुडे यू विल स्टॉप लीडिंग टुमारो. ओके, यस यस. तो अगर आपको लीड करना है, अगर आपको लीड करना है तो आपको पढ़ते रहना है, वरना बिल्कुल लर्निंग लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज लर्निंग प्रोसेस हमेशा चलता है. मकसद तो यही था पेडिग्री टूर को ज्वाइन करने का, या जितने भी प्रो कोचेस से मैंने लॉकडाउन में मोर देन 10 कोचेस के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस किए हैं, उनके साथ में काफी डिटेल ईमेल कॉन्वर्सेशंस हुए, व्हाट्सएप चैट मैसेजेस हुए. तो सारों के साथ में बात करने का मकसद मेरा यही था कि दोज आर दी एलीट टॉप लेवल कोचेस इन द वर्ल्ड जी. तो अगर उनके पास से मुझे ना, समझ लो अगर आप उनके पास में 100% नॉलेज है, अगर उसमें से मुझे 1% भी अगर सीखने मिल जाए जी, तो बहुत बड़ी बात है. क्योंकि दे हैव स्पेंड देयर 40-50 इयर्स टू रीच दैट लेवल. राइट, सही भैया. यू थिंक यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट दिस? आपको कुछ लग रहा है इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो जब तक जो लर्निंग प्रोसेस है, इंसान रोज कुछ नया सीखता है. स्पेशली अगर आप खुद एक एथलीट भी हैं, आप खुद स्टेज पे स्टेप कर चुके हैं, तो जब आप उसके बाद अगर आप एक कोच हायर करो तो आपको आप वो चीजें कनेक्ट कर सकते हो कि एग्जैक्टली कौन सा चीज कोच क्या कह रहा है कि जो मैं स्टेज पे जाके वो चीज मुझे यूजफुल हो रही है. जैसे आप कार्ब फेज, कार्ब लोडिंग फेज हो गया, या अगर आपके जो आपको ड्राई आउट करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो,
तो ये चीजें ऑफ कोर्स आपको एक एक्सपीरियंस्ड कोच के साथ रह के सीखने को मिलती हैं, जी क्योंकि स्पेशली हमारे देसी सब कॉन्टिनेंट में ये है कि बैक स्टेज अगर आप जाओ आपको हार्डली आप कुछ गेन कर पाओगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कल्चर ऐसा है कि कोई शेयर करता ही नहीं है, राइट जिसे मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो और फिर अगर शेयर करेंगे भी देन पीपल हैव हाफ नॉलेज, एग्जैक्टली नहीं पता। अच्छा पता है कि ये अगर चीज यूज कर रहे हैं किस लिए यूज कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, बस वो पता है कि इससे ये जी होगा, बट उसके पीछे साइंस क्या है या उसके पीछे मैकेनिज्म क्या वर्क कर रहा है जी वो अक्सर लोगों को नहीं पता है। सो इट इज एक्चुअली वेरी गुड कि फिर इकबाल भाई ऐसे हैं कि अब ये सीख के अगर ये सीख आगे दे रहे हैं लोगों को, जी सो दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट आउट ऑफ इट। ये हर राइटली एक वैसे सर। तो करता नहीं है। जैसे हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे इकबाल भाई आने से पहले, 2 मिनट हम बात कर रहे थे कि पैट्रिक टूर के साथ, अगर लोगों को पता नहीं है, बॉडी बिल्डर्स जैसे इयन वैलियर हैं, जेम्स हॉलिंगजेड हैं, ये लोग पैट्रिक टूर से कोचिंग लेते हैं ओलंपिया और लेवल्स, दे आर ओलंपिया ऑल लेवल। ओलंपिया लेवल। और पैट्रिक टूर की जो ट्रेनिंग स्टाइल मैंने देखी है, इट इज़ लाइक अ वेरी हार्ड कोर अप्रोच टू ट्रेनिंग, राइट? मैंने जितना एनालाइज किया इन बॉडी बिल्डर्स को, एंड दीज बॉडी बिल्डर्स स्पेशली जो इनको कॉकेशियन बॉडी बिल्डर्स कहते हैं ना, जो ड्राई हार्ड डेंस मसल होती है जिनकी, लाइक इन एंड ऑब्वियसली जेम्स हॉलिंगहेड, इनके साथ स्पेशली पैट्रिक की लाइक एक अलग उस उनकी कोचिंग निखर के आती है। और डेफिनेटली हमारे इकबाल भाई भी ऑन ट्रैक होंगे, एंड श्योर इंशाल्लाह दिस ईयर 2022 आई गेस वी शुड हैव अ चलो प्रो कार्ड इन आवर हैंड्स। अप बाय द वे, व्हाट डिवीजन आर यू गोइंग टू प्ले? आई वुड गो फॉर क्लासिक फिजिक्स जो मैं यस 2016 से करता आ रहा हूँ। वाह वाह लवली। सो एक टाइम था जब पहले क्लासिक फिजिक्स नहीं हुआ करती थी, जी क्योंकि ये आईएफबीबी अमेच्योर लीग एंड आईएफबीबी प्रो लीग एक इकट्ठा काम करती थी। जी तो आईएफबीबी अमेच्योर लीग के अंदर क्लासिक बॉडी बिल्डिंग हुआ करता था। सो यस माय वेरी फर्स्ट हाँ माय वेरी फर्स्ट शो और फॉर द फर्स्ट टू और थ्री शोज वर बॉडी बिल्डिंग एज सच। बट देन अच्छा आई रियलाइज ऑन द वेरी बिगनिंग आई रियलाइज आई डोंट वांट टू बिकम अ ह्यूज मॉन्स्ट्रस जी बॉडी बिल्डर बिकॉज आई वांट टू जेल विद माय फैमिली। एट जी द एंड हाउ आई लुक विद माय फैमिली वुड मैटर टू मी, मतलब आई अच्छा शुड बी कंफर्टेबल विद माय वेट माय साइज जी माय फ्लेक्सिबिलिटी वुड मैटर। तो उसी टाइम पे क्लासिक बॉडी बिल्डिंग का बहुत क्रेज चल रहा था और आईएफबीबी अमेच्योर लीग में क्लासिक बॉडी बिल्डिंग ही था। तो जी जो मैंने ओलंपिया अमेच्योर हांगकांग जीता था वो क्लासिक बॉडी बिल्डिंग ओके था, और फिर उसके बाद में क्लासिक फिजिक भी इंट्रोड्यूस हुआ। तो हार्डली सम डिफरेंसेस है दोनों में, कुछ वेट लिमिट के ऊपर। क्लासिक जी बॉडी बिल्डिंग में कुछ पोजेस वो लोग ज्यादा कराते हैं, बॉडी जी बिल्डिंग प्लस क्लासिक के पोजेस कराते हैं। ओके यस तो यस मैं इस सो साल भी क्लासिक फिजिक ही करूंगा, शायद ग्रुप आप बी में आऊंगा। अच्छा आप पोजिंग किसी अलग कोच से ले रहे हैं या व्हाट अबाउट योर पोजिंग रूटीन? पोजिंग का तो अभी ऐसा मैंने किसी कोच को पकड़ा नहीं है, मैं खुद ही अपनी पोजिंग करता रहता हूँ। मेरे ट्रेनर्स की टीम है, जैसे मनोज के ऊपर दो आई वॉज कोच टू मनोज, बट माई एंटायर टीम एट आई फाई फिटनेस वॉज इक्वली इन्वॉल्व, एज इन इफ आई एम नॉट अराउंड दे वुड टेक मनोज टू द चेंजिंग रूम, चलो पोस्ट करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे वुड एंश्योर इफ ही डजंट कम इन द मॉर्निंग दे कम एंड कंप्लेन इन द इवनिंग टू मी के आज मनोज सर सुबह आए नहीं थे। तो अब वो मेरे सारे ट्रेनर्स मेरे ऊपर उससे फोकस्ड हो चुके हैं। अच्छा यस यस दैट्स एक्चुअली मतलब इससे ये भी पता चलता है कि इकबाल भाई की लीडरशिप स्किल्स और मतलब एंड 90% ऑफ माई ट्रेनर्स हैव बीन एथलीट्स ओ वाह एट सम ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन। जी सो पोजिंग के मामले में ट्रेनर्स सारे मिलके एक दूसरे को करेक्ट कर लेते हैं। जी और हमें ये भी पता दैट है कि एक क्लासिक लाइक आज की डेट में जो क्लासिक डिवीजन है, ये बॉडी बिल्डिंग की बहुत आर्टिस्टिक डिवीजन बनने को आ रही है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ टेरेंस रफिन देखेंगे, लोगन फ्रैंकलिन देखेंगे, इन लोगों ने अपनी रूटीन्स के अंदर, और मैं इनसे बात करते रहता हूँ, एंड इनके पास मतलब दे हैव अ डिफरेंट डेडिकेशन टू अपने ट्रेनिंग के बाद घंटे भर देना खाली पोजिंग के लिए, पोजिंग ट्रांजिशंस, दे आर मेकिंग आर्ट, राइट? मैं एक चीज़ बहुत कहता हूँ इवन ऑन माय आर्ट पेज इज़ दैट बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए, हम इसके बारे में एंड में बात करेंगे, कट करना है मुझे ये सेगमेंट अभी, बट बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट से ज़्यादा मेरे लिए एक आर्ट फॉर्म है। और बॉडी बिल्डिंग जो एक कमर्शलाइज्ड स्पोर्ट की तरह मार्केट की जा रही है डैन सोलोमन के नीचे ओलंपिया में,
वो फ्यूचर नहीं रखती है इन माय ओपिनियन एटलीस्ट। अगर हम बॉडी बिल्डिंग को एज एन आर्ट फॉर्म प्रमोट करें, एक डिफरेंट ऑडियंस बेस आ जाती है और हमें खुद पता है कि उसके साथ कितना पैसा आता है, कितनी वैल्यू आती है। आर्ट कलेक्टर्स जिन्हें हम आर्ट लवर्स कहते हैं, अगर हम उस ऑडियंस को लाएं, हमारा स्पोर्ट एक अलग लेवल पे जा सकता है। स्पोर्ट एज आई से, जो कि एक आर्ट फॉर्म है, मैं कहना पसंद करता हूँ रादर देन अ स्पोर्ट। इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे, हम कट टू करेंगे हमारे मेन सेगमेंट्स के लिए, दो सेगमेंट जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो पहला सेगमेंट है कि हमारे पास इतने रिक्वेस्ट आए कि रमज़ान चल रहा है, वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम फॉलोअर्स जो कि एमेच्योर हैं, जो एथलीट्स हैं भी नहीं, जिनको बस अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है, और इवन बॉडी बिल्डर्स जो कि रमज़ान में जाते हैं। इकबाल भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रमज़ान में आने का, एंटर करने का माइंडसेट क्या होना चाहिए किसी भी इंसान के लिए जो फिट रहना चाहता है, बीट अ बॉडी बिल्डर और एन एमेच्योर। देखिए, रमजान जो है वो सिर्फ एक जस्ट जस्ट नॉट अ मंथ के आया तुमको भूखा रहना है और तुमको किसी तरीके से उसमें वर्कआउट भी करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे हिसाब से रमजान एक ऐसा पीरियड है विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली एंड स्पिरिचुअली इन ऑल सेंस। बेशक, यस। तो पहला मेंटालिटी तो मेरा यही होना चाहिए कि मैं स्पिरिचुअली अपने आप को कितना उभार सकता हूँ इस महीने में, क्योंकि मेरे पास और 11 महीने भी है बॉडी बिल्डिंग के लिए, बट रमजान मेरे पास सिर्फ एक महीने के लिए आया है, जी वो भी इधर 29 डेज और 30 डेज। तो मेरा फर्स्ट अप्रोच तो हमेशा यही रहेगा कि मैं रमजान के कितने बेनिफिट्स, कितने फायदे मैं उठा सकता हूँ, मेरी प्रायोरिटी पूरी की पूरी तरीके से वहीं पे जानी चाहिए, जी क्योंकि ये महीना मुझे लौट कर नहीं मिलेगा, बट बॉडी में अगले 11 महीने में किसी भी तरीके से बना सकता हूँ। सुभान अल्लाह, जी सेकंड, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अब रमजान में इतने स्पिरिचुअल होने के चक्कर में वर्कआउट ही छोड़ देते हैं। बॉडी बिल्डर्स की बात हो रही है, नॉट जस्ट जी रेगुलर जिम गोअर्स। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स भी जिम छोड़ देते हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वर्कआउट की वजह से शायद वो रमजान को वक्त नहीं दे पाएंगे या वर्कआउट उनका सही से हो नहीं पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें मेरा मानना ये है, डू नॉट स्टॉप वर्किंग आउट, डू जी नॉट, कुछ वक्त के लिए तो भी आपको जिम जाना है, मतलब जाना है। जी अगर आप वर्कआउट बिल्कुल तरीके से बंद कर दोगे, जो आप इतने मसल को इतने इंटेंस लेवल पे आप ट्रेन कर रहे थे, अब ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू स्टॉप, आपका जो मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होगा ना, ऑलरेडी रमजान में जी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फ्लक्चुएट होगा, यस अब अगर आपने वर्कआउट भी छोड़ दिया तो जो मेटाबॉलिज्म आपका ड्रॉप होगा वो रमजान के बाद में रिकवर होना मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली, आप मसल ट्रेन ही नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मेंटेन कर रहे हो बॉडी जी को, बट यू विल एंड अप विथ लॉस ऑफ मसल एंड गेन ऑफ फैट। जी तो दो एकदम स्टार्टिंग वाले सजेशन ये है कि भाई रमजान में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स लो। रमजान आया जिस मकसद के लिए, उस मकसद का सबसे ज्यादा से ज्यादा फायदा लो। दूसरा, जैसे बोलते हैं ना, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतन तो वफिल आखिरति हसनतन तो वक़ीना अज़ाब अन्नार। तो दुनिया और आखिरत दोनों को लेके चलना है, जी तो इतने भी मत घुस जाओ कि आप, आपकी बाकी जो लाइफस्टाइल आपकी चल रही थी उसको आप कंप्लीटली स्टॉप कर दो। जी तो आपको आपका वर्कआउट भी बंद नहीं करना है, वर्कआउट आप चालू रखिए बेशक। जी आप पहले अगर 2 घंटा करते थे, उतना वक्त नहीं है, तो एटलीस्ट यू कैन डू 60-75 मिनट्स ऑफ योर वर्कआउट। जी जी भैया, आप जो कह रहे थे भैया, इन आवर लास्ट पॉडकास्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि रमज़ान कैसे एक एक तरीके से एक क्रूज क्रूज पीरियड है जिसमें रहना चाहिए, स्पेशली फॉर बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स इन दैट नेचर। हाँ, मैं तो मेरा वो बिलीव है कि क्योंकि आप रमजान में, क्योंकि हमारे जैसे ने बोला कि मेटाबॉलिज्म कम्प्लीटली आपका फ्लक्चुएट करता है, जी आपका ईटिंग पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है, स्पेशली अगर आप रोजा रख रहे हो। जी सो वो काफी किस्म की जो वर्कआउट्स हैं, यू कैन नॉट फोकस ऑन दैट, ऐसा मेरा मानना है। स्पेशली अगर आप एक्सेसिव ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको उतने हाई कार्ब्स चाहिए या आपको आपका कार्डियो उतना, आपको टाइम नहीं मिलता उतना बेसिकली बिटवीन, इफ यू आर डूइंग अर्ली मॉर्निंग कार्डियोज एंड यू नो लेट इवनिंग वर्कआउट्स, सो वो सारा फ्लक्चुएट हो जाता है। जी तो मैं प्रेफर करता हूँ कि रमजान में नॉर्मली इंसान क्रूज करे, कि एक आप एटलीस्ट अपना मसल मास मेंटेन करो या उस पर आप फोकस करो, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना मेरे हिसाब से मुश्किल हो जाता है। इकबाल भाई बेहतर जानते होंगे, जी तो ये है। और फिर अच्छा, क्योंकि अब रमजान आ जाता है और
ये सिर्फ मतलब अगर आप देखें सिर्फ हम मुसलमानों के लिए ही नहीं, बट कई सारे क्रिश्चियंस हैं जो वो भी लाइक उनका जो 40 दिन के उनके फास्टिंग फास्टिंग होती है जी उनका पूरा नहीं चेंज हो जाता नहीं है, जी या अभी जैसे हिंदू हैं नवरात्रि करते हैं वो, जी तो उनकी उनकी भी कंप्लीटली उनका रूटीन खाने पीने का चेंज हो जाता है। जी तो मैं मतलब मैं जनरली ये कंसिडर करता हूँ कि जनरली अगर आप फास्टिंग का फास्टिंग के कॉन्सेप्ट कह रहे हैं आप। लोग, यस फास्टिंग कॉन्सेप्ट हाँ ओके हाँ जनरली फास्टिंग के कॉन्सेप्ट के लोग मेरे हिसाब से क्रूज करने चाहिए, जी क्योंकि आप एक शो के लिए तो कम्प्लीट प्रिपेयर कर नहीं पाओगे रमजान में स्पेशली या फास्टिंग के दिनों में। मसल पुट ऑन करना मुश्किल हो जाता है, जी पॉसिबल है लेकिन देन क्योंकि आप कितने मील्स लोगे, हमें जी जैसे हमारा देखो रमजान में हमें शाम को 7 साढ़े 7 बजे यहाँ पे इफ्तारी होती है, जी सुबह 4 बजे सहरी होती है, जी सो आपको हार्डली 10 घंटे मिलते हैं। जी आप 10 घंटे में आप कितना प्रोटीन इंटेक लोगे या कितने मील्स लोगे, और सो जी मेरे हिसाब से स्पेशली अगर स्पेशली जो बंदा इकबाल भाई कुछ मेरे करे मेरे तरह जो अभी मतलब मैं तो मतलब लाइक 20 ईयर ओल्ड किड्स यू नो लाइक 18 साल के 20 साल के उन लोग के दिमाग में क्या होता है कि अभी जैसे हम बैठते हैं बात करते हैं इट्स लाइक रमजान आया तो मतलब भाई अब तो मैं फैट लॉस हो जाएगा मेरा पूरा यू नो लाइक दैट्स लाइक बहुत हाँ ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट कि रमजान आया अब मैं फुल डाइट करूंगा रमजान में से निकलूंगा तो आई विल बी श्रेडेड यू नो तो फिर वो दिखते हैं मोहम्मद अली रोड पे नली नियारी दबाते हुए यू नो बट ऐसा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यू नो कि हमारे बीच में कि रमजान बोले तो फास्टिंग बोले तो यू विल लूज वेट यू नो सिंपल एंड यू विल बी श्रेडेड एंड डाइट खुदा ने नेचुरल निजाम बनाया है टाइप सो इसके अंदर भी जैसे अभी आप इकबाल भाई भी कह रहे थे ना कि मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए रमजान का। अभी इनका एक पोस्ट आया था कल या परसों, सुबह जी सुबह सैरी पे के जाके कुछ अच्छा खा खा के आ रहे रहे थे ये। थे नहीं, मैं लाइव में सबके सामने बोलता हूँ, मेरे कुछ क्लाइंट्स मुझ पे भड़क गए कि सर आप तो खा रहे हो हमको मना कर रहे हो। तो मैं नहीं खा रहा था, वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही कम डाउन फ्रॉम पंजाब लुधियाना ओके स्टेइंग विद मी फॉर 2-3 डेज, सो आई वांटेड टू शो हिम हाउ ओके दीज केसेस वर्क ड्यूरिंग रमजान, अच्छा मोहम्मद अली रोड, दिखाओ गली, एटसेट्रा एटसेट्रा। जी सो जी आई वाज एकॉम्पनिंग दीज 3-4 पीपल, बट आई हैव नॉट टेकन इवन अ सिंगल बाइट ऑफ दैट नल्ली निहारी और मालपुआ। इतना अत्याचार खुद पे हाँ वहां बैठ के नहीं सामने नहीं खाते हुए कंट्रोल देख कंट्रोल तो होना चाहिए, कंट्रोल तो आपको होना चाहिए। के अगर आप जी इफ बिल्कुल यू कॉल योरसेल्फ अ ट्रू एथलीट, जी तो यू शुड इट इज कंट्रोल ऑल अबाउट योरसेल्फ। डिसिप्लिन, इट इज जी ऑल अबाउट यस डिसिप्लिन, नहीं तो हमने कुछ बिल्कुल एथलीट्स देखे हैं हु जस्ट लेट गो लाइक दे आर ऑन टॉप ऑफ टाइटैनिक यू नो लाइक यस सब आने देते हैं खाते हैं एंड देन दे जस्ट लूज देयर बॉडी मैन बिकॉज मेरे ओपिनियन में एक जो लोग यू नो एनाबॉलिक्स पे रहते हैं स्टेरॉइड्स पे रहते हैं एंड मतलब देयर बॉडी डज हैव लाइक मसल गेन करने की एक दे हैव एन अपर हैंड ऑन दैट बट देन दे ऑल्सो हैव अपर हैंड ऑन गेनिंग फैट राइट लाइक इफ दे ईट लाइक राइट क्रेजी एंड लाइक बैड फूड तो उन वो फैट भी वैसे गेन करेंगे और फिर वो और मुश्किल हो जाती है उनके लिए वो बर्न करना एंड देन वो साइकिल कंटिन्यूस चालू रहता है कि इनको इस पे डिपेंडेंट रहना चालू पड़ता है रहता है। वो सो जी बहुत लोगों में मैंने देखा है, हम स्प्लिट कर करके बातें करते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड, कार्डियो और वर्कआउट से वर्कआउट रिलेटेड। से यस बहुत लोगों को मैंने देखा है रमजान में दे फोकस मोर ऑन कार्डियो, थिंकिंग के दे विल लूज मोर फैट इफ दे डू कार्डियो। अब एक मेंटालिटी बन चुकी है कि जो रमजान में रोजा खोलने के पहले का वक्त होता है, क्योंकि कार्डियो करने के बाद में बॉडी डिहाइड्रेट होगी जी और उस बंदे को प्यास लगेगी, तो वो दिन में जोहर बाद असर बाद तो कार्डियो करने से रहा, जी तो बंदे में एक आ गया दिमाग में कि मैं ना मगरिब से पहले आधा घंटा HIIT कर लूंगा या मैं दौड़ लूंगा, थोड़ा स्प्रिंटिंग कर लूंगा, तो अगर मुझे प्यास भी लगेगी तो मेरे पास रोजा खोलने का रोजा मौका है। खोलने यस इसमें मेरा ये मानना है दोनों एंगल से, सबसे पहले तो ये कि भाई तुम 14 घंटे भूखे थे, तुम इतना ज्यादा कैटाबॉलिक स्टेट में हो कि तुम फैट लॉस के साथ में मसल लॉस भी बहुत ज्यादा करोगे। जी ये हो गया टेक्निकल साइड। नाउ कमिंग टू द स्पिरिचुअल साइड, कि भाई कई हदीसों में ऐसे है कि जब आप जी रोजा खोलने बैठते हो तो रोज इफ्तार के शुरू के जो 10-15 मिनट होते हैं उसमें अल्लाह खुद बंदों की दुआओं को खुद सुनता है, जी फरिश्तों को ले जाने की जरूरत नहीं है, जी तो आप वो मौका क्यों गंवा रहे हैं? सही सबसे बात पहली चीज तो ये, जी तो मेरा ये मानना है कि वो कार्डियो ना करें आप लोग, जी और रमजान में सबसे पहली बात तो कार्डियो पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, जी यू विल गेट ओवर डिहाइड्रेटेड एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग योर स्ट्रेंथ एंड यू नॉट बी एबल टू पुश योर वेट्स। जी आई कार्डियो गेस अगर आपको ऐसे जी करना ही है वार्म अप के हिसाब से, तो जब आप वेट ट्रेनिंग के लिए जाओगे आप 5-10 मिनट वॉक कर लो वार्म अप के हिसाब से, और 15-20 मिनट आप
फॉर अ फॉर्मेलिटी वेट ट्रेनिंग के बाद अगर तुम कार्डियो कर लो जी, ये स्टेट में इफ्तारी से जस्ट आधा घंटा पहले मुझे ऐसा लगता है कि यू विल लूज मोर ऑफ योर मसल्स लेस ऑफ योर फैट जी, एंड दिस स्पिरिचुअल एंड पे योर यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, मतलब हाथ आया मौका आपने गंवा दिया जी। अब बात आती है वेट ट्रेनिंग की, तो मैंने कुछ लोगों को रोजे की हालत में वर्कआउट करते हुए देखा है बॉम्बे में, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच, कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच। मेरा ये मानना है कि भाई आपके पेट में जो होगा जी, जब ब्लड फ्लो स्टार्ट होगा वर्कआउट के टाइम पर, तो वो ब्लड इज योर बेसिकली न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर। आपने कुछ खाया ही नहीं है, आपने बॉडी तो पंप कर ली, ब्लड उस मसल तक चला गया जी, बट दैट इज एम्प्टी। यस, मतलब आपने कुछ पहुंचाया ही नहीं, वो पंप लेके आप क्या करोगे, वहां पे न्यूट्रिएंट्स पहुंचे नहीं। मैं खाली ट्रेन दौड़ाऊं बॉम्बे टू दिल्ली और फिर रेलवे तो लॉस में ही है, अंदर पैसेंजर ही नहीं है कोई जी। तो ये करना भी गलत बात है। आप रोजे की हालत में वर्कआउट ना करें, ना करें, ना करें, यू विल लूज योर मसल, यू विल नॉट गेन, इनफैक्ट आप मेंटेन भी नहीं कर रहे हो उस एंगल में। तो अगर आपको वर्कआउट करना है मेरा ये मानना है इफ्तारी कर लीजिए, उसके बाद में आप कोई प्री वर्कआउट मील लेके यू कैन डू अ गुड इंटेंस ट्रेनिंग। रमजान में भी मैंने इंटेंस ट्रेनिंग की है जी, या इफ्तारी के बाद आप चले जाइए तुरंत। उसमें ये होता है कि हम इतने मील खाएंगे मेरा पेट ब्लोट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई सिंपल डाइजेस्टिंग कार्ब्स ले लीजिए, या ब्लेंडर में आप ओट्स को राइस को ब्लेंड करके पीस के पी लीजिए, यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम देयर इन टर्म्स ऑफ ईटिंग। एट द सेम टाइम इफ द फूड इज गेटिंग डाइजेस्टेड फास्टर, यू विल बी एबल टू यूज दोस कैलोरीज एज एनर्जी व्हाइल यू डू योर वर्कआउट। सही बात। तो वर्कआउट मेरे हिसाब से इफ्तारी के एक या दो मील बाद आप कर सकते हो जी। अब बात आ जाती है न्यूट्रिशन की। आप रमजान से पहले, अब हम एक बॉडी बिल्डर की भी बात करेंगे और एक आम आदमी की भी बात करेंगे, एक आम आदमी के लिए रमजान इज द बेस्ट पीरियड टू लूज वेट। आई एम नॉट सेइंग मसल और फैट, यस। इफ somebody is focused on कि भाई मेरा वेइंग स्केल पे वेट ड्रॉप होना चाहिए, तो रमजान इज द बेस्ट पीरियड कि भाई तू इफ्तारी कर, वर्कआउट कर, रात का डिनर कर और सुबह का सहरी कर। देखो जो खाना है खा ले, यू विल लूज वेट, बट ईट क्लीन, डोंट ईट दोस फ्राइड जंकी आइटम्स। अब अगर बॉडी बिल्डर की बात आती है, तो बेशक बॉडी बिल्डर अगर 5,000-6,000 कैलोरीज खा रहा था रमजान के पहले, उसके लिए जैसे अभी हमदानी भाई ने बोला, हमारे पास में से 10 घंटा बचा है जी। उसमें आपको नमाजें भी पढ़नी है, आपकी मगरिब भी उसी में, आपकी ईशा भी उसी में, आपकी तरावी भी उसी में, कुछ वक्त आप कुरान पढ़ने में भी गुजारोगे, तो आपके पास टाइम और कम बच गया। अब उसमें कितना वक्त आप खाओगे और कितना वक्त आप वर्कआउट करोगे, सिर्फ खाओगे भी तो भी मायने नहीं रखता, क्योंकि वो फूड डाइजेस्ट भी होना चाहिए। उतनी सारी कैलोरीज रमजान में आदमी नहीं खा सकता है, इसलिए उसको कॉम्पैक्ट कैलोरीज खानी चाहिए, लिक्विड डाइट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जी। और रमजान में मसल गेन करना बहुत मुश्किल है, बट मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नामुमकिन है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक आध स्पेशल केस हो जाए जो रमजान में भी गेन कर सकते हैं, बट रमजान में गेन करना बहुत मुश्किल है। तो एटलीस्ट आदमी अगर अपने डाइट को वेल प्लान मैनर में लेकर चले, तो वो एटलीस्ट जो मसल रमजान के पहले बनाया था, जब रमजान से बाहर आएगा तो एटलीस्ट उतने मसल्स वो लेके बाहर निकल सकता है जी। सही, मुझे लग रहा है सबसे बड़ी लर्निंग तो मेरे लिए ही है, क्योंकि मैं खुद ये जो फास्ट कार्डियो के पीछे कुछ टाइम से मेरी सोच लगी हुई थी कि ये चीज करनी चाहिए जी। तो ये तो मैं ही पहले सीखने वाला हूँ कि भैया ये करनी है। और जैसे स्पेशलिस्ट के वाकई में जो इफ्तारी से 10-15 मिनट का पहले का टाइम होता है जी, काफी इट्स अ वेरी पायस टाइम। नॉर्मली हम क्या करते हैं इकबाल भाई, आपने भी ये देखा होगा ट्रेंड कि हम खजूर और पानी पी लेते हैं, रोजा खोल लेते हैं और फिर नमाज पढ़ने जाते हैं, ऐसा कुछ, फिर वापस आके फिर यू नो अच्छे से लाइक इफ्तार ऐसा कुछ करते हैं। तो वेरी वेल सेड इकबाल भाई, मतलब ये बहुत सारे मेरे लिए खुद के लिए भैया के लिए भी आई ओपनर था ये। अगर आप एक जनरल डाइट की बात करेंगे, जैसे अगर किसी को फॉलो करना है तो कैलकुलेशन अपना कर ले, हम डिटेल में कैलकुलेशन तो नहीं बता पाएंगे। इफ आई एम नॉट डूइंग एनी प्रेप जी, इफ आई एम नॉट डूइंग एनी प्रेप बट आई एम स्टिल अ बॉडी बिल्डर एंड अ वेरी सीरियस बॉडी बिल्डर, मसल ग्रोथ मेरा इंटेंशन है, तो मैं रमजान इस तरीके से फॉलो करूंगा। अगर मैं करूंगा तो इफ्तारी में मैंने खजूर खा लूंगा, भले वो मेरे प्रोटोकॉल में हो या ना हो, एज अ सुन्नत मैं एक से दो तीन खजूर तो मैं खाऊंगा ही।
मैं प्रोटीन शेक और उसके अंदर एक स्कूप विटार्गो हो गया, एक स्कूप प्रोटीन हो गया, या अगर मुझे ज्यादा पीना है तो 2 स्कूप प्रोटीन 2 स्कूप विटार्गो हो गया, तो मेरे 50 ग्राम प्रोटीन 50 ग्राम काप्स तो यहीं पे हो गए। मतलब एक ग्लास के अंदर मेरा एक प्रॉपर सॉलिड मील हो गया। इट इज 400 कैलोरीज और मैं चुपचाप अपनी मगरिब की नमाज पढ़ लूंगा। मगरिब की नमाज पढ़ने में मेरा वो 400 कैलोरीज जो है ना वो यूं गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो लिक्विड डाइट था। मगरिब की नमाज पढ़ते के साथ में मैं प्रॉपर एक फुल सॉलिड मील करूंगा उसके बाद में आप तरावी पढ़ लो, ईशा पढ़ लो, तरावी पढ़ लो, उसके बाद में एक सॉलिड मील करने का मौका मिलता है। बट अगर मैं सॉलिड मील करूंगा तो मुझे वर्कआउट के लिए 1 घंटा रुकना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, या तो मैं ओट्स को ब्लेंडर में कम्प्लीटली ग्राइंड करके प्रोटीन डाल के पी लूंगा, दैट बिकम्स माय 1 सॉलिड मील, या तो मैं अपने नॉर्मल राइस को, कुक्ड राइस को ब्लेंडर में पूरा पेस्ट करके उसके अंदर प्रोटीन डाल के पी लूंगा, लिटिल डेट्स राइस प्रोटीन, तो यू विल एंजॉय दैट शेक एंड इट्स अ प्रॉपर सॉलिड मील। जब मैं वर्कआउट करने के लिए जाऊंगा एज एन इंट्रा वर्कआउट, अगेन आई विल हैव माय BCAA टू बैलेंस ऑल माय अमीनोज, एंड आई वुड सिप विटार्गो व्हाइल डूइंग माय वर्कआउट। तो वहां पर भी मैं 25 से 50 ग्राम अगर मैं विटार्गो पीता हूं। जी, एक सेकंड, फॉर दोस हु डोंट नो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं विटार्गो क्या है? विटार्गो एक एक्चुअली प्रोडक्ट का नाम है, बेसिकली पाउडर फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट इन पाउडर फॉर्म। विटार्गो इसलिए बोला जाता है कि विटार्गो जो प्रोडक्ट आता था वो जीरो शुगर से आता था। ओके, तो ऐसे अभी फिलहाल मार्केट में 7-8 ब्रांड्स अवेलेबल है, फोर्सा है, बिग मसल्स का भी कोई है, हेल्थ फार्म का भी कोई है, विटार्गो खुद एक ब्रांड है, साइटेक न्यूट्रिशन भी एक ब्रांड है जिसका विटार्गो आता है। तो आप पहले पलट के देख लीजिए, आप इतना शुगर कॉन्शियस नहीं हो आप, तो आप कोई भी लेके पी सकते हो, कि तो घर की शक्कर ही पानी में घोल के पी लो, कार्बोहाइड्रेट। तो अगर मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट खरीद के लाऊंगा, मैं शक्कर क्यों खरीदूंगा? तो विटार्गो हैज 0% शुगर, तो मैं विटार्गो यूज करना प्रेफर करता हूँ, या कोई और भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो अब अगर मैं इंट्रा वर्कआउट में 25 से 30 ग्राम विटार्गो ले लूं, विच इज जस्ट 1 स्मॉल स्कूप, एक घंटे के वर्कआउट में वो 25-30 ग्राम में सिप करते करते पी जाऊंगा, कभी पता नहीं चलेगा वहां पे मेरी 100 कैलोरीज एडिशनल आ गई। अब पोस्ट वर्कआउट डिपेंड करता है आपके पास कितना वक्त बचा है। अगर आपके पास काफी वक्त बचा है तो यू हैव अ प्रोटीन शेक देन अ सॉलिड मील, वक्त नहीं बचा है तो मैं प्रेफर करूंगा आई हैव अ सॉलिड मील नॉट प्रोटीन शेक, बहुत ज्यादा लिक्विड हो जाएगा। एंड देन सैरी, इफ आई एम ऑन प्रेप देन आई वुड डू 1 सॉलिड मील जो मेरा रेगुलर सॉलिड मील होता है, और अगर मैं प्रेप नहीं करता हूँ तो मेरा सैरी होती है 2 से 3 अंडों का ऑमलेट, रोटी, राइट, अ बाउल ऑफ कर्ड। जी, वेरी वेल सेड इकबाल। तो इनको सैरी पे काफी लाइट लाइक प्रेफर गोइंग सैरी पे। जी, क्योंकि नॉर्मली अक्सर लोग सैरी के बाद सो जाते हैं, तो आपका क्या इस पे कहना है? सैरी के बाद में सो जाने का वापस मेरा 2 अप्रोच है। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी हैं कि जो जॉब पर जाते हैं जी, तो अगर जिस बंदे को 9 to 5, 9 to 6 जॉब करना है, तो मैं खुद चाहूंगा कि भाई तू सहरी कर, फजर की नमाज पढ़ और सो जा कुछ वक्त के लिए, क्योंकि आराम नहीं करेगा तो सी एट दी एंड ये ना हो जाए कि उसके काम की जगह पे उसका परफॉर्मेंस वीक पड़े, और आपको पता है आगे फिर जॉब इज ऑल्सो नीडेड टू सर्वाइव। तो उस केस में तो मैं खुद चाहूंगा कि भाई तुम आराम करो, और बाकी आपकी जो इबादत है वो आप शाम में भी कर सकते हो, मगरिब बाद भी कर सकते हो, रमजान का तो महीना 24 घंटे के लिए। अब अगर कोई जॉब वगैरह नहीं है तो फजर के बाद की इबादत को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो कुछ वक्त आदमी ने सुबह फजर की नमाज के बाद में बैठ के कुरान की तिलावत वगैरह करना चाहिए, और फिर बाद में आप सो जाओ। ओके, सो ये आपके 2 अप्रोचेज हैं। सो मतलब जिसके लिए जो वर्किंग है और जिसको ज़रूरत है अवेक रहने की, एनर्जेटिक रहने की, और यू नो काम करने की। सो हमारे व्यूअर्स में भी बहुत सारे लोग होंगे जो दोनों टाइप्स के हैं, ऑफिस गोइंग या वर्किंग कम्युनिटी भी है, और हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी भी, या यू नो पीपल एट होम, बिजनेस ओनर्स बेसिकली। सो वेरी वेल सेड, ये हमारा बहुत, आई गेस दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग सेगमेंट, राइट अली भाई? बहुत सीखने को मिला, बहुत जानने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो खुद सीखने को मिल रहा है, सो मैं तो खुश हूँ।
हमारा हमारी इल्म की दरिया चल रही थी और आपने उस दरिया को समंदर बना दिया, तो गहराई और वास्टनेस से भरपूर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट ये है, ओके, यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी होने वाली है बिकॉज लोगों को पता है हम किसके बारे में बात करेंगे और कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं लोग जो ये कहते हैं। हम नाम नहीं लेने वाले, बट एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है आज बॉडी बिल्डिंग की हमारी देसी सब कॉन्टिनेंट में, दिस वेज नॉन वेज डिबेट, जो कि वेज डाइट वर्सेज नॉन वेज डाइट, वेज डाइट पे बॉडी बन सकती है। तो मेरा ये हम्बल थोड़ी सी जितनी की मेरी सोच है, मेरा मानना ये है कि एक बड़ी डिफरेंस होती है बिटवीन बिल्डिंग अ बॉडी स्क्रैच से वेज डाइट पे और बॉडी जो ऑलरेडी बिल्ट है उसको मेंटेन करना वेज डाइट पे। तो ये मेरा थोड़ा सा मानना है कि इसमें बहुत डिफरेंस है, एंड इट इज़ ईजियर टू डू द सेकेंड थिंग विच इज़ मेंटेन अ बॉडी ऑन अ वेजिटेरियन डाइट rather than build a body on a vegetarian diet, मतलब scratch से। इकबाल भाई, आपके इसके related कोई opinions है या what do you think about this whole catastrophe here? देखिए, सबसे पहले तो जो veg और non-veg वाला controversy है जी, वो आनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हर मजहब में non-veg खाने का permission है जी, जहाँ तक के मैंने पढ़ा है। अगर आप चाहो तो मैं कुछ रेफरेंसेस भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। कुर्बानी हर मजहब में होती है, उसके yes. नाम अलग अलग है जी। और खाया भी हर मजहब में जाता है, सिर्फ खाने के तरीके और जुबा करने के तरीके अलग हैं लोगों के, ठीक है। तो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये कॉन्ट्रोवर्सी बेवकूफों वाली है जी। क्योंकि मुझे गुरु नानक का कोट बहुत प्यारा लगा था कि नॉनवेज खाने से या वेज खाने से आदमी पाक होगा या गुनहगार होगा ये कोई जज नहीं कर सकता है। नॉनवेज अगर उसने ये बोल के छोड़ दिया कि नॉनवेज खाना गुनाह है जी, तो भी वो गुनहगार है या नहीं है वो तो सिर्फ खुदा ही जानता है जी। यस, तो वेज और नॉनवेज में जो डिस्प्यूट है ये बेवकूफों वाला डिस्प्यूट है। वी ऑल हैव राइट्स एंड फ्रीडम टू ईट व्हाटएवर वी लाइक, व्हाटएवर वी वांट जी। सपोज टुमारो यू कम एंड टेल मी, और इस्लाम हैज अ वेरी a beautiful approach towards food. We do not make it compulsory for you to eat something. We just give you a framework. जैसे आप इस्लाम में आप fish भी खा सकते हो, eggs भी खा सकते हो. I'm talking about the non-veg food items. आप fish भी खा सकते हो, veg भी fish खा सकते हो, beef खा सकते हो, mutton खा सकते हो, eggs खा सकते हो, chicken खा सकते हो. कल अगर आपने बोला कि I hate fish, I'll not eat. Yes. It'll not be out of Islam. Yes. We don't force you. You eat what you like. We have just created a framework. जी. तो खाने के मामले में ये सबसे बड़ी ब्यूटी है हमारे मजहब में. जी. दूसरी ब्यूटी ये है कि अगर कल कोई बोल दे कि मुझे नॉनवेज नहीं पसंद है या नॉनवेज से मुझे कोई एलर्जीज है और जी. कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, एक्स वाई जी, कुड बी एनी रीजन, तो मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ या नहीं खाऊंगा, तो भी वो उस इस्लाम में उस चीज की गुंजाइश है जी. मेरे मेरी एक खुद की कजन सिस्टर है, शी इज प्योर वेजिटेरियन एंड शी इज अ मुस्लिम जी. मेरे मेरी सबसे बड़ी मुमानी, जिसको मामी बोलते हैं कुछ लोग, मेरी जो सबसे बड़ी मामी है, शी इज प्योर वेजिटेरियन, शी डजंट ईट नॉन वेज, शी इज मुस्लिम. तो वेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, हम अगर एजुकेटेड हैं और लिटरेट हैं और सेंसिबल हैं, मेंटली एबल्ड हैं, तो वी ऑल शुड कम आउट ऑफ दिस डिबेट कि किसको क्या खाना है और किसको क्या नहीं खाना है। Absolutely. एक अब नाउ शिफ्ट, लेट्स शिफ्ट टू बॉडी बिल्डिंग जी। अब जब अगर बॉडी बिल्डिंग में आ जाते हैं तो बॉडी बिल्डिंग डिमांड्स लॉट ऑफ प्रोटीन जी, डिमांड्स लॉट ऑफ प्रोटीन, देन ओनली यू विल बी एबल टू बिल्ड योर मसल्स, ठीक है। अब प्रोटीन का जो मेजर सोर्सेज है, वेज हो या नॉन वेज हो, नॉन वेज के आपको सारे पता है, एग्स है, फिश है, चिकन है, मटन है, बीफ है, some people even eat pork if they are okay to eat. वेज के अंदर आप मेजॉरिटी किसी से भी आप पूछ लीजिए, वो बोलेगा पनीर है, सोया है, टोफू है जी। इसके अलावा अगर वो कहीं कूदेगा भी तो वो बीन्स करेगा, बीन्स बोलेगा या हल्का सा ब्रोकली बोल देगा जी, या जो भी बोलेगा, बट हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन कम्स ओनली फ्रॉम पनीर, सोया एंड टोफू। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, इफ यू ईट 100 grams ऑफ कुक्ड चिकन, you get 30 grams of proteins, clean protein, 30 grams of protein from 100 grams of chicken.
fat is just negligible. So we don't count fat from chicken breast. We are saying chicken breast, yes. Ji. Haan. Ji. Now you go and eat 100 grams of paneer. I'm not against vegetarian food. I'm just giving you the difference. That calculations, yes. Haan. Now you go and eat 100 grams of paneer. Ji. So you will not eat 100 grams of paneer in a very raw form. Even yes. if you are eating in the most raw form, Ji. 100 grams of paneer will have 18 grams of protein, but Ji. 21 grams of fat. Oh, yes. Yes. So, tumne 18 chok 72, tumne 72 calories li protein mein se, Ji. But 21 multiplied by 9, which is 190 calories approx. Ji. So, aapne 72 calories protein ki li, और 190 कैलोरीज आपने फैट की ले ली तो आप क्या कर रहे हो मतलब व्हाट इज द रेशियो यस अब चलो इससे भी बाहर आ जाते हैं हम ये बोलेंगे कि हम पूरा दिन रॉ ही खाएंगे तो जो मेरा फैट कंजम्पशन है मैं वो इसको इसमें काउंट कर दूंगा जी ऐसा पॉसिबल है कि मैं पूरा दिन रॉ खाऊंगा मैं एडिशनल ऑयल घी बटर कुछ भी यूज नहीं करूंगा तो मेरा जो फैट कंजम्पशन है वो ईएई वाले को मैं फैट काउंट कर दूंगा चलो ठीक है वो भी आप कर सकते हैं But the moment you say protein, protein is basically chain of aminos, block of aminos. Right. Vegetarian protein sources are never a complete block. Never a complete block. Ji. Non-vegetarian food sources, egg is the best example, will have all the aminos in it. All the aminos, essential, non-essential, everything. तो अगर आप वेजिटेरियन सोर्स पे स्क्रैच से बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगी बहुत दिक्कत होगी क्योंकि आपको जो अमीनोस चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए जो एडिशनल अमीनोस चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे देन सप्लीमेंट विल बिकम मैंडेटरी तो अगर कोई बंदा वेजिटेरियन डाइट करके मसल बिल्डिंग करना चाहता है तो उसको जो BCAA है EAA है ऑल अमीनोज है जी. ये जिस क्वांटिटी में खाना पड़ेगा ना वो प्रोटीन और ये सब ऑलमोस्ट सेम होने लग जाएगा जी. जी. तो वो कर सकता है बट अगेन आई एम सेइंग अ नॉन वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर विल ऑलवेज हैव एन एज ओवर अ वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर व्हेन दे बोथ कम इन द स्टेज एट द सेम टाइम एब्सोल्युटली भैया हम इसके बारे में अली भाई बात कर रहे थे इन आवर ओन पॉडकास्ट आपने सही किया कि आपने इसको एक रिलीजियस टच भी दिया क्योंकि हमारे इसमें इट हैज बिकम मोर ऑफ अ रिलीजियस डिबेट दैन अ लॉजिकल डिबेट जैसे कि आपने कहा कि इंडस्ट्री में अभी ये हो चुका है कि हाँ जी एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर इफ आई हैव अ नॉन मुस्लिम फ्रेंड अगर मेरे पास नॉन मुस्लिम फ्रेंड है ओके मैं उसके घर में जाके बैठ के आई विल नॉट फोर्सफुली ईट समथिंग दैट इज नॉट फिट इन द एनवायरनमेंट देयर मतलब वहां पे उनके सेंटिमेंट्स के लिए राइट वो हिसाब से एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए अब आपने राइटली जैसे बोला कि एक फ्रीडम और रिस्पेक्ट में वो डिफरेंस होती है कि अभी अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ मेरी अपनी चॉइस है कि इवन इस्लाम के बाहर भी अगर मुझे पोर्क भी खाना है चाहे उसमें प्रोटीन वैल्यू नेग्लिजिबल भी है मतलब इट्स नो यूज ईटिंग पोर्क बट इफ आई स्टिल वांट टू ईट इट इट्स दैट पर्सन फ्रीडम ऑफ चॉइस टू ईट इट तो स्पेशली जैसे हम इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं इस एज अ रिलीजियस एंगल से भी इस टॉपिक का कोई रिलेवेंस है नहीं राइटली सर इकबाल भाई अली भैया आपका इस पर कुछ कहना है या कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहोगे इस पर किस बात पे exactly? वीगन डाइट पे या ऑन द वीगन और अच्छा और अब वीगन लोग भी होते हैं जो मतलब दे हैव अ डिफरेंट ओनली मतलब उनको तो वो भी नहीं मिलता है या मिल्क विल्क के अभी अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले टाई ग्रीन ही शिफ्टेड टू वीगन डाइट जी उसको एक एक्सपेरिमेंट करना है खुद पे सो बाय बाय इफ आई एम मेकिंग 5 लाख रुपीस अ मंथ फॉर एन एग्जांपल इफ आई एम मेकिंग 5 लाख रुपीस अ मंथ टुडे एंड यू कम एंड यू ऑफर मी 5 करोड़ which is 100 times, which is equivalent to my 8 years of income. If you give me for just one video, I am ready to go vegan on lens. मैं खुद अपने आप को वीगन बोलने के लिए रेडी हूँ क्योंकि देखिए उसने मैं इस पे आता हूँ शायद अभी इसको कॉन्ट्रोवर्सी में लोग ले लेंगे काई ग्रीन ने लाइव पे बोला कि वो वीगन बन गया जी क्या हमने जाके देखा वो घर में वीगन था ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो आज परचम लेकर घूम रहे हैं कि आपने
मांस मछली नहीं खाना चाहिए, आपने शाकाहारी बिल्कुल डाइट करना बिल्कुल चाहिए, शाकाहारी से भी बॉडी बनती है, बिल्कुल बट आप खुद खा रहे हो, सही बात आप कहीं है। घूमने जा रहे हो, आप वहां पे जाके मांस मच्छी ही खा रहे हो, और आप पहले भी ओके खाते थे। आप प्रोटीन ही ले रहे हो। अगर दिस लॉट ऑफ हाँ पीपल हु आर वेजिटेरियंस एंड दे हैव कार्निवोर, जो बीफ प्रोटीन आता है, ओके जी राइट सो दैट्स अनदर फ्रेंड। आप प्रोटीन से ले रहे हो, आपको जो लेना है। जी। और इकबाल भाई हमने एक्चुअली मैं जो पॉइंट बोलने चाह रहा था कि हमने पहले पॉडकास्ट में डिस्कस किया कि क्यों ये पॉइंट रिडंडेंट है ऑन नॉट हैविंग एनिमल सोर्स प्रोटीन्स इन योर बॉडी और एनिमल सोर्स एनीथिंग इन योर बॉडी, कि लोग कहते हैं कि योर टेम्परामेंट चेंजेस और समथिंग लाइक दैट, बट आई फील कि आजकल के दुनिया में इवन द फ्रूट्स, इवन द ट्रीज, इवन द वेजिटेबल्स, एवरीथिंग इज एनहेंस्ड राइट। अगर हम लोग उसको प्रॉपर ड्रग्स देके कल्चर में मैं इसके करेंगे। ऊपर कुछ दो तीन एंगल में मैं इसका जवाब देता हूँ। कुदरत जी ने जो निजाम बनाया है ना, जी कुदरत ने निजाम ही ऐसा बनाया है कि आपको वेज नॉन वेज दोनों खाना है। एग्जैक्टली जी आपके पास कार्निवर टूथ भी है और आपके पास में रेगुलर टूथ भी है, जी तो आपको गोश्त मच्छी भी खींच के खानी है और आपको नॉर्मल खाना भी चबा कर खाना है। जी तो निजाम बना ही उस तरीके से। अब खाना नहीं खाना, कुदरत ने ये नहीं बोला कि तू ये खाएगा ही तो मैं तुझे जिंदा रखूंगा, जी मतलब उसने आपको लिबर्टी दे दी, खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, मगर बॉडी मैंने आपकी बनाई है कि आप खाओगे तो खाना पच जाएगा, जी पच रहा है ना खाना, वरना पचता ही नहीं। मैं लोखंड और मट्टी खाऊंगा, मैं अगले दिन अस्पताल में मिलूंगा, क्योंकि सही बात है वो मेरे बॉडी के लिए नहीं बना है। तो खाना तो आपको सब खाने के लिए मिल गया। अच्छा दूसरा, हाँ आप, मैं वो वर्ड भूल गया था आपका, जो आपने वर्ड यूज किया था वो वर्ड को मैं बहुत देर से याद कर रहा था, कि मांस मच्छी खाने से आदमी अग्रेसिव हो जाता है, जी एग्रेसिव यस ऐसा लोगों का मानना है, यस इसलिए मांस मच्छी छोड़ देनी चाहिए और शाकाहारी खाने पे आ जाने चाहिए। जी अब मैं ये बोलता हूँ, आपने मांस मच्छी छोड़ दी, जी ठीक है, आप स्टेरॉइड यूज नहीं कर रहे हो, जी नाउ वी आर टॉकिंग ऑन अ वेरी लेमैन टर्म, जी आप कोई स्टेरॉइड यूज नहीं कर रहे हो, आप कोई सप्लीमेंट नहीं खा रहे हो, आप कोई प्रोटीन इनटेक सप्लीमेंट फॉर्म में नहीं कर रहे हो। अभी हम सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो चर्चा है, जी मुद्दा है, वो तो सिर्फ खाने का खाने है। का है तो यस अगर आप सप्लीमेंट भी नहीं खा रहे हो, आप स्टेरॉइड भी नहीं ले रहे हो, जी और आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे हो, आप बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खा रहे हो, प्लीज गो एंड गेट योर ब्लड वर्क डन, योर टेस्टोस्टेरोन विल बी वेरी लो एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज ईटिंग नॉन वेज, जी वाह योर मैच प्रोलैक्टिन विल गो हाई, योर कॉर्टिसोल विल गो हाई, योर एस्ट्रोजन विल गो हाई, यू विल बिकम सॉफ्ट। ओह यस तो आदमी अंदर से सुस्त हो जाएगा, सुस्त, वो यस अग्रेशन जो वर्ड है वो रॉन्ग है, जी यू बिकम लेजी, यू बिकम वाह वेरी टायर्ड इंटरनली, यू डोंट नो यू आर टायर्ड, योर बॉडी इज टायर्ड बिकॉज यू आर नॉट फीडिंग, सो वाह यू आर मोर एक्टिव वेन यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, बिकॉज नेचुरली योर वाइटमिन B12, योर जी टेस्टोस्टेरोन, दे ऑल गो अप वेन यू ईट नॉन वेज, योर कॉर्टिसोल यस गोज डाउन, योर एस्ट्रोजन गोज डाउन, सो यू आर मोर एक्टिव, योर फिजिकली एक्टिव इन जी ऑल द सेंस, जी दैट्स नॉट अग्रेशन, दैट्स कॉल्ड बीइंग मोर एक्टिव इज कंपेयर टू वेजिटेरियन फूड कंज्यूमिंग पीपल। यस यस एग्जैक्टली ट्रू। और अगर अग्रेशन को तुम खाने से मिला रहे हो, तो मेरे हिसाब से अग्रेशन कभी भी ना खाने से जुड़ा है ना स्टेरॉइड से जुड़ा है, वो जुड़ा एब्सोल्युटली है आपके मेंटालिटी से, आप किस एनवायरमेंट में हो, आपकी जी अपब्रिंगिंग क्या है। लोग यस वेरी बोलते हैं वेल स्टेरॉइड सर, यूज वेरी करके वेल। आदमी पागल हो जाता है, भाई मैं पिछले 12 साल से कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ, वेर आई एम रिपोर्टिंग टू सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टली, मैंने कभी कोई पंगा ना हुआ, ना मेरे को डांट सुननी पड़ी, ना मैंने कभी उन लोगों को उल्टा बोला, जी मैं तो 7-8 साल से कंटिन्यूअसली स्टेरॉइड पर हूँ। यस वेरी यस वेल सर, वेरी वेल वेरी सर, वेल वेरी सर। वेल। आई थिंक दैट वाज लाइक मतलब माइक ड्रॉप, दैट वाज लाइक एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, हाँ एंड ऑफ डिबेट। वेरी वेल सेड इकबाल भाई एंड अली भाई। हम लोग एक लास्ट एंड नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करेंगे बिफोर हम वी एंड दिस पॉडकास्ट। ये थोड़ा सा सीरियस सेगमेंट होगा, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा पिछले साल में बॉडी बिल्डिंग में बहुत डेथ्स हुई, यू नो अ लॉट ऑफ पीपल पास अवे रिसेंटली। 2-4 दिन पहले सेड्रिक मैकमिलन के नाम से जो बॉडी बिल्डर जाने जाते थे, मेरे ओपिनियन में एज एन आर्टिस्ट मुझे उन्होंने उम्मीद दी थी कि ओपन बॉडी बिल्डिंग कैन बी आर्टिस्टिक, कैन बी स्टिल आर्टिस्टिक। ही वॉज द बॉडी बिल्डर हु मेड मी बिलीव दैट।
और अब उनके बाद मुझे कोई वैसी उम्मीद नहीं रही कि ओपन बॉडी बिल्डिंग में पीपल कैन स्टिल अफोर्ड टू बी आर्टिस्टिक और वो प्रपोर्शंस और वो लाइंस रखना, नॉट कॉम्प्रोमाइज टू द साइज एज मच. इकबाल भाई, मैं आपसे कहना ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमने फर्स्ट सेगमेंट में बात करी कि ये जो बॉडी बिल्डिंग है इसको एज अ स्पोर्ट, जैसे यू नो कम्पिटिटिव स्पोर्ट के तौर पे यू नो आगे पुश किया एज कम्पेयर टू आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जो इरा में थे, एवरीबडी यूज टू वर्क इन द सेम जिम, दे यूज टू वर्क आउट इन द सेम जिम, एक कॉम्ब्राडरी थी, एक ब्रदरहुड था जिसकी वजह से वो एक आर्ट फॉर्म दिख के आती थी, पोजिंग के लिए वो साथ में जाते थे. डू यू बिलीव इन द फ्यूचर ऑफ ओपन बॉडी बिल्डिंग और आज के जो कोविड है और जो लोग कहते हैं कि कोविड से यू नो इट्स इवन मोर बैड फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी ऑन स्टेरॉइड्स, यू नो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर ऑफ बॉडी बिल्डिंग को सेफ करने के लिए हम क्या मेजर्स उठा सकते हैं एज अ फेडरेशन या एज अ कम्युनिटी, आपको क्या लगता है? स्टॉप लेटिंग न्यू पीपल कमिंग इन द इंडस्ट्री. वाह, अगर आप रोकना चाह रहे हो तो यही एक सोल्यूशन होगा. क्योंकि देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, पहले का जो एरा था उस टाइम पे मे बी इतना ज्यादा साइंस अवेलेबल नहीं था, बट यस आर्नोल्ड के पास उतने इंफॉर्मेशन थी. हमारे इंडिया में उतने एनाबॉलिक्स यूज नहीं होते थे जहाँ वो लोग उतने यूज करते थे, बट वो लोग भी लिमिट में यूज करते थे. तो जैसे आप किसी बॉडी बिल्डर को देखोगे तो एक होता है एडमायरिंग हिम एंड एक होता है अप्रिशिएटिंग हिम. सो व्हेन यू वुड पास बाय रॉनी कॉलमैन ऑफ हिज पीक एरा, यू वुड अप्रिशिएट रॉनी कॉलमैन बट यू वुड नेवर एडमायर रॉनी कॉलमैन. यू वुड नॉट वांट टू बिकम रॉनी कॉलमैन, ठीक है? बट फ्रैंक ज़ेन ले लो, आर्नोल्ड ले लो, तो यू वुड अप्रिशिएट एंड एडमायर बोथ. तुम खुद चाहोगे कि काश मेरी भी बॉडी ऐसी हो. Absolutely. ठीक है, तो वो एरा चला गया. अब अगर वो एरा लौट कर आ रहा है तो वो एरा आ रहा है क्लासिक फिजिक्स के नाम पर. Yes. अब क्लासिक फिजिक्स में जो लोग बोलते हैं ना, ये वेट वेट क्या लगा दिया, लिमिट क्यों लगा दिया है, बेवकूफी है, वो बेवकूफी नहीं है, वो बहुत वेल प्लान अप्रोच है. अगर वो वेट लिमिट नहीं लगाएंगे तो क्लासिक फिजिक्स भी कल जाके ओपन बॉडी बिल्डिंग जैसी हो जाएगी. जी, yes. देखिए दूसरा, अब एक ये भी मुद्दा है कि जब आदमी को मसल बहुत ज्यादा गेन हो जाता है ना, तो इट्स एन एडिक्शन. वो कभी अपना मसल लूज करना नहीं चाहेगा. आप 130 किलो वाले को बोलो कि भाई तू 110 105 किलो का हो जा, तो वो आपकी सुनना छोड़ देगा. जॉर्डन पीटर्स ने एक बहुत मस्त कोट लिखा था कुछ दो या तीन दिन पहले आफ्टर सेडविक मैक्सवेल पास्ड अवे. इन द प्रीवियस डेज पीपल यूज्ड टू से टू गेट बिग यू हैव टू पुश. Absolutely. Yes. Just be careful. To get big, you have to push yourself. Just be careful. Everyone knew what the risks were. Yes. But at the same time, you were being taught you'll have to push yourself. Push yourself in terms of using these compounds. Yes. But now it has to change. Yes. And I like the way he wrote it. It has to change. If you have to push yourself to such an extent, then this sport is not for you. Yes. This sport is not for you. If a pro level bodybuilder has been using 5,000-4,000 mg of anabolic oils a week, ठीक है, और तुम्हारी यहाँ हजार में ही हालत खराब हो रही है, तुमको हफ्ते में 7 दिन में से 2 दिन तुम बुखार में चले जाते हैं, तुम्हारे अगले दिन बॉडी तुम्हारे उसको स्वेलिंग में कन्वर्ट कर देती है, तो भाई तुम अभी बहुत दूर हो, रहने दो. तुम उस लेवल की बॉडी बिल्डिंग मत सोचो. यस. और मॉक से रिलेटेड जो है, जो लोगों ने खौफ पैदा करके रखा है, तो देखो डेथ इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ. मतलब कुरान खुद कहता है कुल्लू नस्लिन ज़ाइकतुल मौत. मौत का मजा हर नस को चखना है, तो कभी ना कभी आगे आगे पीछे सबको जाना है. योर डेट, योर डे, योर टाइम, योर प्लेस, इन व्हाट कंडीशन यू विल गो, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइंड. सिर्फ एक बहाना होगा कि सारे लोग मलकुल मौत इसकी रूह लेकर चली जाएगी और सारे लोग बिजी हो जाएंगे उस बहाने पे डिस्कस करने में. तो मरना तो सबको ही है. अब खौफ ज्यादा इसलिए भी पैदा होता है कि आपके पास न्यूज उन्हीं की आएगी जो आपसे रिलेटेड है या आप जिससे रिलेटेड है. यस. हाँ, जैसे मैं अंधेरी में रहता हूँ, तो बेशक अंधेरी में हर रोज कुछ तादाद में तो लोग मरते ही होंगे, पर उनकी न्यूज नहीं आती. हाँ, बट अगर फैमिली में कुछ हुआ, फ्रेंड सर्कल में कुछ हुआ, तो न्यूज बेशक मेरे पास आई. तो इंडस्ट्री में अगर किसी की डेथ हो रही है तो ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग वालों को ही पता चलेगा. तो अब लोगों ने उसका एक बहुत बड़ा एजेंडा बना दिया है, बॉडी बिल्डर्स की मौत हो रही है. अरे मौत सारों की हो रही है,
पिछले सालों में सिर्फ 4-5 बॉडी बिल्डर्स मरे, अब वो नामचीन बॉडी बिल्डर्स मर गए इसलिए लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। दूसरा, लोगों ने बड़ा होने, बेशक मौत तो आनी है जी, बट अल्लाह ने ये नहीं बोला है कि आगे खड्डा है तो तुम कूद जाओ, तुम्हारी मौत नहीं होगी तो तुम बच जाओगे। अक्ल भी दिया है एट द सेम टाइम के भाई पहाड़ की चोटी पे जाओगे तो अपने आप को खुद बचाओ, भले तुम्हारी मौत का वक्त है या नहीं है। तो लोग ये भी भूल गए, बड़े होने की चक्कर में ना, बड़े होने की चक्कर में पीपल हैव फॉरगॉटन देयर लिमिट्स। वो एक कहावत है ना, ब्रेक योर लिमिट्स, ब्रेक योर लिमिट्स। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट, डोंट बी अ चूतिया, नो योर लिमिट फर्स्ट एंड देन यू ब्रेक इट। कल मैं बोलूं मैं 1000 kg का स्क्वाट मारूंगा तो मेरा लिमिट 400 का है कि नहीं मुझे वो भी नहीं पता है जी। तो मैं लिमिट नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं अपने आप को तोड़ रहा हूँ। सही बात। तो बड़े होने के चक्कर में जो लोगों ने अंधाधुंध कंपाउंड यूज करना चालू किया है ना, वो हमारे बच्चों को रोकना चाहिए। नोबडी स्पेंड्स देयर मनी ऑन ब्लड वर्क। किसी से पूछो तो बोलेगा हाँ 1 साल पहले कराया था, बट स्टेरॉइड तो पिछले 12 महीनों से कंटिन्यूसली यूज कर रहा है। पीपल नीड टू बी लिटिल मोर केयरफुल। भाई देखो इस स्पोर्ट्स में रहना है तो तू ये सारी चीजें तो इस्तेमाल करेगा ही, बट हाउ आर यू कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर हेल्थ नंबर वन, एंड इफ समथिंग गोज अप एंड डाउन हाउ विल यू कंट्रोल इट, हाउ विल यू क्योर इट, उसका कोई एक उपाय पहले से तुम्हें पता होना चाहिए। जी जी जरूर भैया, हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इससे ही कंटिन्यू करके कि ये जो वेट कैप्स है, अभी इस बात की मैं एक निचोड़ निकालता हूँ जो इकबाल भाई ने बोली, जो बॉडी बिल्डिंग एज इट इज़ है आज, इसमें उतनी गुंजाइश नहीं है और रूल्स चेंज करने की कि ब्लड वर्क स्पॉन्सर्ड होगी, उसको कैसे मेंटेन करेंगे, उसके लिए बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगी, उसमें उतनी गुंजाइश नहीं है चेंज होने की, इवन इफ बॉडी बिल्डर्स मर रहे, यू नो चेंज अपने अंदर लानी चाहिए बाय नोइंग योर ओन लिमिट्स। आप एक स्पोर्ट में एक एथलीट हो, आप जा रहे हो, आप अपनी लिमिट्स जान के चलो, क्योंकि स्पोर्ट आपके लिए चेंज नहीं होने वाला है या आर्ट फॉर्म आपके लिए चेंज नहीं होने वाला है, ये मैंने इस बात से निचोड़ ले ली। अली भैया, हम डिस्कस कर रहे थे कि मेंस फिजिक के बारे में, क्योंकि आप स्पेसिफाइड है उसमें, कि साइज गेम बहुत बढ़ रही है। जो जेरेमी बुंडिया 2013 में जिसने या 2014 में जिसने मेंस फिजिक जीता, वो अगर हुडी पहनेगा, शर्ट टी शर्ट पहनेगा, वो मेरी तरह दिखेगा, यू नो। बट जो बंदा जिस जिस डायरेक्शन में फील्ड अभी चल रही है, वो जो कैटेगरी चल रही है, उनकी साइज आजकल के क्लासिक बॉडी बिल्डर से किसी किसी की बड़ी है। तो भैया, आपके इसमें इस बात पे कोई रैंट है क्या कि मेंस फिजिक से स्पेसिफिक लेके कि साइज गेम और ये खुद की लिमिट्स नहीं जानना, इसके बारे में? नहीं, डेफिनेटली मेंस फिजिक में अभी साइज तो बढ़ रहा है जी। द थिंग इज के अब अगर जैसे आपके पास 10 एथलीट्स हैं जी स्टेज पे, तो अब वो 10 के 10 एक वो मेहनत करके एंड दे हैव अपनी फिजिक वैसी बना के स्टेज पे खड़े हैं जी। यू नो इफ यू गो टू द प्रो लेवल जी, अब सबके अंदर इक्वल सिमेट्री है, इक्वल खूबसूरती है, पोजिंग सही है, बट देन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हाँ अब एक साइज का फैक्टर जरूर ऐड हुआ है जी, कि जजेस प्रेफर कर रहे हैं कि साइज आप उस साइज में कितना अपना वी टेपर लेके आते हो, कितनी सिमेट्री लेके आते हो जी। सो डेफिनेटली आप जो जितने भी नए शोज हो रहे हैं या पिछले 1-2 साल से आई एम सीइंग के ट्रेंड चेंज हो रहा है जी, मेंस फिजिक एथलीट्स दे आर कमिंग विद बेटर साइजेस, बिगर साइजेस, एंड देन ऑफ कोर्स जो कॉन्सेप्ट है कि आपको जो आप फिल योर शॉट्स जी, fill up your shorts, shorts को fill up करना भी is a part of putting on the size. So the guys are definitely coming up with bigger sizes. And मेरे हिसाब से like if you go to the अगर आप IFBB elite की तरफ जाओगे, जो elite ये है आपका federation है, वहाँ पे actually they disregard size. They don't consider size. टोटली। और अगर आप oversized हो भी men's physique के लिए, क्योंकि मैंने खुद experience किया है कि they disqualify you, that you're not for your size is too big। But when you come to the pro league is actually considering size, but then again it comes down that how your symmetry is, how narrow your waist is। तो अगर आप उस narrow waist को लेकर आप अपना upper size build कर रहे हो, if you can maintain that, then it is definitely an add-on for the stage. These days, actually. ये मेरा मानना है।
वेरी वेल सेड इकबाल भाई. देर वर इंस्टेंसेस, अगर आपने नाम सुना होगा, अरविंद स्पार्टकस करके एक बंदा था, अरविंद स्पार्टकस. हाँ, he was being trained by a real technician, Chris Acito. Chris Acito. I guess. Really? Yeah. तो उनको बेसिकली इंडियन, उन्होंने कुछ लोकल शो में भी कम्पीट किया वेर ही वॉज डिस्क्वालिफाइड. और उन्होंने, मतलब मान लीजिए हमारे शेरू क्लासिक में भी उन्होंने कम्पीट किया, बट ही वॉज नॉट प्लेस्ड वेल. एंड उनकी फिजीक, लेकिन अगर हम ओलंपिया स्टेज पर रखेंगे, मतलब ही इज हैंगिंग इन परफेक्ट साइज विद ऑल द अदर गाइज इन मेंस फिजिक. अगर हम इसकी बात करेंगे कि आपके ओपिनियन में क्या है ये जो साइज गेम मेंस फिजिक में आई, जो ओरिजिनली जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि बीच पे चलते हुए इंसान को ही शुड लुक गुड चिजल्ड एंड मतलब जस्ट चिजल्ड बॉडी लाइक अ मॉडल लुक, वो डायरेक्शन से जो ये दूर जा रही है मेंस फिजिक, आपका इस पर कोई ओपिनियन है मेंस फिजिक स्पेसिफिक? जैसे अभी अंबानी भाई ने बताया कि मेंस फिजिक में साइज जो है वो एड ऑन हुआ है, बट वो उसके लिए बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी है. सिर्फ ये है कि मेंस फिजिक में एथलीट ने अपनी वेस्ट लाइन को काफी कंट्रोल करके बॉडी के दूसरे पार्ट से प्रोपोर्शनेटली मसल गेन करना चाहिए. जी. मैं उस चीज से बहुत ज्यादा सहमत हूँ. तो अगर कोई मेंस फिजिक एथलीट बड़ा दिखता है मुझे, तो मैं ये देखूंगा कि वो मेंस फिजिक का जो ओरिजिनल रूल्स थे हमारे, जिस ढांचे में हम मेंस फिजिक वाले को छानते थे, क्योंकि वेस्ट लाइन से उसके वेस्ट टू शोल्डर के रेशियो से, अगर वो उसी रेशियो में, उसी स्ट्रक्चर में अगर वो अपना वेट मसल गेन करता है, तो मेरे लिए वो तब भी मेंस फिजिक में रह सकता है. क्योंकि एट दी एंड भले ही वो आज प्रो क्वालिफायर खेल रहा है, कल प्रो शो खेलेगा, जाना तो उसने भी ऊपर ही है. जरूर. हाँ, अब अगर कोई बहुत ज्यादा मसल गेन कर लिया है और वो अपने आप को बोले कि मैं तो मेंस फिजिक ही खेलूंगा, तो भाई अगर तुम्हारी कमर अब मेंस फिजिक वाली नहीं रही, तो तुम्हें खुद जान लेना चाहिए कि मैं मेंस फिजिक वाला नहीं हूँ, rather than blaming judges and the organizers. सही बात है. Absolutely right. So that brings us to the end of our final segment. एक quick आपसे fun questions पूछने हैं इकबाल भाई. What is your favorite? If you are not a bodybuilder, आप bodybuilder नहीं हो, आप you don't know what fitness is, ठीक है? You are a pure Bombay kid, ठीक है? Foodie हो आप full. आप रमजान में आपकी favorite diets क्या है? What is your favorite thing to eat in Ramzan? Like cheat foods, like good it foods. Could be my chicken. It could be my chicken kebabs. It could be deep fried. I would love them. Then malpoa हो गया. Oh my god. Hyderabadi haleem हो गया. Yes. आपका chicken biryani हो गया. So these are my favorite. Oh my If god. If I'm not doing a protocol, I would literally eat these items almost every day. Guys, by the way, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ. Oh my god. Stop. By the way, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे बॉम्बे में रोजा इज लाइक इन लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट्स, तो मैं कुछ खाने को तैयार हूँ. सो इसीलिए गाइस, जो आप लोग सुन रहे हो, आई एम सॉरी अगर आप दिन के टाइम पे सुन रहे हो ये. अली भैया, यू आर इन दुबई, यू आर इन द लैंड ऑफ हबीबीज एंड मंदीज, आपकी वहां पे फेवरेट चीट फूड्स क्या है? यहाँ पे देयर इज लॉट टू से, स्पेशली यहाँ के जो लोकल कुछ डिशेज हैं जो सिर्फ रमजान में ये लोग बनाते हैं, दे हैव अनयूजुअल नेम्स बट आई कैन टेल द नेम्स. एक फरीद है, फरीद करके एक डिश है. हाँ, वो समझ लो आप डोसा, डोसा जैसी रोटी होती है, उसके अंदर मतलब सालन में डिप की हुई होती है वो, और उसके साथ चिकन वगैरह होता है, इट्स ऑल मेस्ड. तो और फिर यहाँ पे हलीम नहीं बोल सकते, बट हरीस हमारे हलीम के जैसा ही कुछ बनता है हमारे कश्मीर में, या हमारे कश्मीर में हरीस बनती है, हरीस बोलते नहीं, वो हरीसा अलग है, बट दिस इज इवन मोर थिकर. इसमें चावल और चिकन मैश किया होता है. अच्छा. एंड इट इज टोटली विदाउट एनी मसाला और सॉल्ट, इट्स वेरी बेसिक. मिल्क, सॉरी, दे ऐड मिल्क टू इट, दूध डाला जाता है, they add milk to it. Yes. जी. Yes. So, हरीस है. अच्छा, और यहाँ पे वो बनते हैं, it's called लुकेमात. वो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं. अच्छा. जिसको इंडिया में गुलगुले बोलते हैं, वो ही समझ लें आप. बट तो ये चीजें दसर खान से लगी हो तो बंदा बोलता है टूट पड़ो. आपका रमजान का व्हाट इज द टाइमिंग, व्हाट इज द रूटीन, लाइक जिम, वर्कआउट्स, हाउ डज इट गो? मेरा तो रोजा का जो वक्त है वो पूरा मेरा ऑफिस में चला जाता है. ओके. आई हैव माय ऑफिस 9 टू 6,
6:59 का रोजा है, जो ड्यूरेशन है वो ट्रैवलिंग में चला जाता है। उसके बाद में फिर मैं जिम में आता हूँ, फिर अपना वर्कआउट है, एक दो पीटी होती है हफ्ते में, तो वो उनका वर्कआउट होता है। क्लाइंट्स का जो भी डाइट प्रोटोकॉल लिखना होता है वो वैसे भी मैं पहले भी रात में करता था, अभी भी रात में ही करता हूँ। तो आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा होता है? स्लीपिंग तो मेरा पिछले 6 सालों से मैं वैसे भी 4 घंटे ही सोता था। That explains. तो मुझे रमजान में नींद के लिए ऐसा कोई स्पेशल दिक्कत नहीं होती है कि रमजान आ गया तो मेरी नींद में कोई खलल आएगा या मैं कम जी सो पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वैसे भी 4 घंटे ही सोता था, अभी 4 घंटे ही सोता हूँ। हाँ, रमजान में कई बार ऐसा होगा कि वो 4 घंटे मेरे ब्रेक होके मिलेंगे मुझे, फजर के ओके बाद कुछ सो लो, सहरी के पहले थोड़ा सो लो। ऑसम एस अच्छा मतलब कंसिडरिंग आपकी साइज और आप मतलब 4 घंटे में इतना रिकवर करना विथ योर होल थिंग गोइंग ऑन इज नहीं, ये चीज मैंने बहुत सारे सेमिनार्स में जहाँ मुझे इनवाइट किया गया बोलने के लिए, मैंने उसमें भी बोला है कि बेशक नींद आपको 7 से 8 घंटे की चाहिए, बेशक चाहिए, मतलब कुछ लोगों को 5 से 10 घंटे की भी चाहिए, बट इफ यू कीप योर सेल्फ हैप्पी ना, मतलब अगर आपके हैप्पी हॉर्मोन्स अच्छे मेंटेन करके आप रख रहे हो बॉडी के अंदर, यू आर एंजॉइंग वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू आउट द डे, इफ यू आर गोइंग हैप्पी टू योर बेड, आपको 4 घंटे की नींद काफी है। माशाल्लाह, नाइस, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो एज़ लॉन्ग एज़ यू आर डूइंग जस्टिस टू जितना योर आदमी टू स्ट्रेस्ड योर होगा या फ्रस्ट्रेटेड होगा ना लाइफ से, जी वो ज्यादा सोएगा। यस यस बिल्कुल, जैसे कि ओके आई एम नॉट दैट फ्रस्ट्रेटेड। मुझे लग बट बात करें तो ज़हन में इतने ख्याल आते होंगे, अभी ये क्लाइंट है, उसकी प्रेप है, अभी ये करना एग्जैक्टली है, तो नींद में भी प्लानिंग चल रही होती होगी 3-4 घंटे या ड्यूड, बट नाउ वी आर गोइंग टू सी इकबाल सईद ऑन द स्टेज गाइस इन 2022। कैन आई टेक दैट? इंशाल्लाह 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 जरूर इंशाल्लाह 2022 ओके योर एंड 2022 होपफुली अनदर प्रो कार्ड। यस अनदर प्रो इंशाल्लाह कार्ड, अनदर देसी प्रो कार्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड इंशाल्लाह जरूर। सो गाइस दैट ब्रिंग्स अस एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच इकबाल भाई फॉर जॉइनिंग अस टुडे, टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। Sure thing. Thank you, Ali bhai. शुक्रिया, इल्तिमा से दुआ, इफ्तारी में दुआ कीजिए सबके लिए, बेशक बेशक, और आप लोगों का रोजा कबूल हो इंशाल्लाह, मेरा भी जरूर जरूर। आपके लिए अभी टाइम है रोजे के लिए, सो यू हैव टू सफर फॉर अनदर आवर Ali bhai, यू हैव टू सफर लाइक एनीथिंग मोर देन दैट। अभी 2.5 घंटे ओह शिट, हमारे यहाँ तो अभी अगले आधे घंटे में, हाँ आधे घंटे में हो जाएगा अभी यहाँ पे। Awesome guys, so all the links in the description, follow the 9 yards, follow Iqbal bhai, follow Sayyid Hamdani, follow Mujtaba Mirza on our accounts. You can DM us for personal questions, you can also comment below on this video, comment on our socials, make sure you follow Metric Squad, Iqbal Sayyid bhai ki company, merch company, and also if you guys need any tips, advice, training or want coaching from Iqbal Sayyid or Sayyid Hamdani, you can DM. I'll charge them for this. make sure you tell him I sent you. चलो ठीक है। अरे मैंने आपके मैंने वो आपने वो questions डाले थे ना, so someone had asked you like something like how will you tell me about this? You were like just pay me. वहाँ पे Instagram पे stickers डाले थे। So you just had to pay me. Oh so God. I was like. Thank you guys, that was Desi Muscle Podcast, yeah. episode 9. Stay tuned, stay fit, stay safe, stay healthy. Take care guys, khuda hafiz, masalam.